श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही आशुतोष जी महापुराण कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। आज की कथा में गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं वो पिछले किसी कथाओं में नहीं बताए हैं, तो ये वीडियो बहुत उपयोगी है। जान लेते हैं वे तीन उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपाय है, बच्चे यदि जिद्दी हैं, रात में बिस्तर पर गंदगी करते हैं, रोते रहते हैं, आप दवाई भी दे देते हैं फिर भी वो रात में गंदगी करते हैं, तो शंकर भगवान की जो जलधारी होती है, जलधारी से जो जल बहकर एक गड्ढे की ओर जाता है, तो जो बीच की जगह होती है वहाँ पर उस जल को हाथ रख के रोक लें और उस जल की कुछ बूंदें उठा लें और स्पर्श कर लें और उस बच्चे के होंठों पर लगा दें और या फिर पिला दें, बच्चा गंदगी करना छोड़ देगा। आप सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं या यह समस्या ज़्यादा है तो आप रोज भी ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे उपाय की तरफ। यदि शरीर में कहीं भी गांठ है, चेस्ट में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है या शरीर में कहीं भी गांठ है, तो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जब आप हाथ में झेलेंगे तो उस समय आपको शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए झेलना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहकर उसे हाथ की हथेली में झेल लेना है और शिव जी पर जो बेलपत्र चढ़ाइए उसे औषधि रूप में शिव जी से निवेदन करके प्राप्त कर लीजिए, उठा लीजिए। इसके बाद जल और बेलपत्री लेकर आपको मंदिर के बाहर आना है और मणिभद्र का नाम लेकर, शंकर जी के एक गण है मणिभद्र, मणिभद्र का नाम लेकर मंदिर के बाहर बैठकर आपको उस बेलपत्र और जल का आचमन कर लेना है, उसे खा लेना है, गांठ गलने लगेगी। हफ्ते में दो बार ये उपाय जरूर करिए। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे उपाय की तरफ। शंकर भगवान पे जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जलधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जल को आप अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए, नैनों पर लगा लीजिए। उस जल के स्पर्श मात्र से शरीर के जो पाप और ताप है वो दोनों को हर लेता है, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। जब भी आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाइए, जलधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसे अपने मस्तिष्क पर, नैनों पर जरूर लगाइएगा। इसके बाद गुरुजी ने एक अगली नई जानकारी दी है। जो गुरुजी की अगली कथा 13 जनवरी से कानपुर में होने वाली थी, अब वो कथा महाराष्ट्र में होने वाली है। ये 5 दिन की कथा रहेगी, 13 जनवरी से 17 जनवरी शाम 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर देख सकते हैं। ये कथा महाराष्ट्र में परभनी कार्यस्थल लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभनी से होगी। इसके बाद कथा में एक पत्र आया, उसमें लिखा था कि मैं नेत्रहीन हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, पर मेरा मन है मैं पशुपतिनाथ व्रत करूं, पर गुरुजी आप कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में स्वयं को थाली तैयार करनी होती है, प्रसाद सामग्री भी खुद ही तैयार करनी होती है, तो मैं ये व्रत कैसे करूं? तो गुरुजी ने कहा, जब तक बच्चे कुंवारे हैं तब तक वो अपने माता पिता पर आश्रित हैं, माता पिता का सहयोग ले सकते हैं, तो आप अपने माता पिता का सहयोग लेकर पशुपतिनाथ व्रत कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी ने एक विशेष जानकारी भी दी है। गुरुजी ने बताया है, जो लोग शिव मंदिर जाते हैं, पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं या एक लोटा जल चढ़ाने रोज शिव मंदिर जाते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे दुकान पर बैठे लोग हैं, व्यंग्य कसते हैं, ताना कसते हैं, अपशब्द कहते हैं, उन लोगों का उसका भोग भोगना ही पड़ता है और उसका भोग स्वयं महादेव ही भुगतवाते हैं। इसी जन्म में उसका भोग इंसान को भोगना पड़ता है, उसका बुढ़ापा फिर सड़ सड़ के ही निकलता है। आज के इन उपायों को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।